विश्व धरोहर कालका शिमला रेलवे ट्रैक पर आजकल टॉय ट्रेन दौड़ती दिखाई नहीं देती है। इस ट्रैक पर सभी रेलवे स्टेशन सुनसान पड़े हैं। यात्री केवल बसों और टैक्सियों के माध्यम से ही हिमाचल में आ जा सकते हैं। रेल को चलाने के लिए अभी केंद्र सरकार ने अनुमति नहीं दी है। कोरोना के कारण ये एहतियातन कदम उठाए गए हैं ताकि प्रदेश में कोरोना संक्रमण न फैल सके। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार जो पर्यटक हिमाचल में टॉय ट्रेन की सवारी का लुत्फ उठाना चाहते हैं, अभी उन्हें और कुछ दिन इंतजार करना पड़ेगा। अधिक जानकारी देते हुए स्टेशन अधीक्षक सुरेंद्र परमार ने बताया कि अभी किसी भी तरह की पैसेंजर ट्रेन कालका से शिमला तक नहीं जा रही है। उन्होंने कहा कि अभी केवल पानी लाने ले जाने के लिए ट्रेन को इस रूट पर चलाया जा रहा है। ये ट्रेन जिन स्टेशनों पर पानी की कमी है उसे पूरा कर रही है। परमार ने बताया कि अभी 12 अगस्त तक उन्हें ट्रेन चलाने की अनुमति नहीं है और भविष्य में कब ट्रेन चलेंगी इस बारे में अभी उच्च अधिकारियों ने उन्हें कोई जानकारी नहीं दी है। उन्होंने बताया कि अभी केवल रेलवे स्टेशन पर विशेष ट्रेनों के लिए एडवांस बुकिंग चल रही है। अभी जो है नियमित ट्रेन तो हमारी बंद है। रेलवे बोर्ड के आदेश के अनुसार 12 अगस्त तक के जो जितने भी नियमित ट्रेन है वो बंद है। केवल कुछ एक स्पेशल ट्रेन चल रही हैं। और हमारे सेक्शन की बात की जाए तो हमारे सेक्शन में केवल वर्कमैन स्पेशल ट्रेन चली हुई है जो कि पानी की सप्लाई भी देती है। जिन जिन स्टेशनों पर पानी की कमी है, स्टेशन या गैंग हट्स हैं, उनमें पानी की सप्लाई देती है। इसको जो है पहले अल्टरनेट डे पर चलती थी, अब इसको रेगुलर कर दिया गया। एक गाड़ी कालका से चलती है, एक शिमला से। दोनों गाड़ियाँ 8:30 बजे कालका और शिमला से चलती हैं। ऑनलाइन रिजर्वेशन जो है चालू है, हमारे स्टेशन पर इसकी सुविधा दी गई है। PRS काउंटर लगा हुआ है जो कि 24 मई से दोबारा जो है खोला गया है और इसमें नियमित रूप से रिजर्वेशन हो रही है। और सर कैसे रिजर्वेशन करवा सकते हैं? क्या जो स्पेशल ट्रेन जो चली हुई हैं उनकी जैसे जो भी पहले से नियम है 120 दिन पहले आप जो है एडवांस रिजर्वेशन करवा सकते हैं।